चंबल का नाम सुनते ही जहन में बीहड़ और डाकुओं की तस्वीरें आने लगती हैं। कभी चंबल की घाटियों में चारों तरफ गोलियों की आवाजें सुनाई देती थी। चंबल के बीहड़ों में कोई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कब किधर से सनसनाती हुई गोली आ जाएगी। कुदरत ने चंबल घाटी के बीहड़ों को कुछ ऐसा बनाया है कि अगर कोई छिप जाए तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये बीहड़ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में फैले हुए हैं। कहते हैं कि चंबल की मिट्टी बागी पैदा करती है। यहाँ मिट्टी के कटाव और क्षरण से कई इलाके बंजर भूमि में तब्दील हो गए हैं। इस वजह से यहाँ खेती मुश्किल होती गई और रोजगार के अभाव में युवा अपराध का रास्ता अख्तियार करने लगे, जो आज तक बदस्तूर जारी है। चंबल घाटी का उल्लेख महाभारत काल में मिलता है। इसके अभिशप्त या शापित होने की कहानी राजा रंतिदेव के जमाने से सुनाई जाती रही है। ऐसा कहा जाता है कि चंबल के बीहड़ों में सबसे पहला बगावत का बिगुल दिल्ली से भाग कर आए तोमर राजवंश के राजा ने फूंका था। फिर मुगलों और अंग्रेजों के काल में इस इलाके को समाज से बगावत करने वाले बागियों के लिए जाना जाने लगा। इसके बाद ये माना जाने लगा कि चंबल की माटी में बागी ही पैदा होते हैं। महाभारत काल में पांडवों ने चौसर के खेल में चंबल नदी के किनारे द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। हारने के बाद द्रौपदी ने चंबल नदी को मूक दर्शक बने रहने के लिए श्राप दिया था। श्राप की कहानी समय बीतने के साथ लोक कथा में बदल गई, यहाँ तक कि चंबल के बीहड़ बागियों के साथ अटूट रूप से जुड़ गए, जो न्याय पाने के लिए बदला तक लेने से नहीं हिचकते थे। चंबल के बीहड़ों की गहरी गलियों की भूल भलैया, जो जमीन के लगातार कटाव से बनी थी, बागियों के छिपने के लिए एक बेहद अनुकूल जगह बन गई। बारहवीं शताब्दी में दिल्ली और कन्नौज के पतन ने किंवदंतियों को बढ़ावा दिया, क्योंकि राजपूत शरणार्थियों ने बड़ी संख्या में चंबल के बीहड़ में शरण ली थी। आदिवासी मेव और भील जनजातियों को बेरहमी से बेदखल करते हुए तोमर राजपूतों ने चंबल के आसपास विशाल इलाके को बसाया। ये क्षेत्र आज भी तोमर घर के नाम से जाना जाता है। भारत का उत्तरी इलाका जैसे ही मुस्लिम शासकों के अधीन आया, राजपूत समाज मुगल सेनाओं के खिलाफ विद्रोह की स्थिति में आ गया। हालांकि मुगल सल्तनत का इतिहास ऐसे कई विद्रोहों को नियंत्रित करने के उद्धरण से भरा पड़ा है, लेकिन यहां बार बार कुचले जाने के बाद भी विद्रोह नहीं थमे। जैसे ही सेनाओं ने विद्रोहियों को कुचला और वहां से रवाना हुए, विद्रोह का झंडा फिर से लहरा गया। ये स्थिति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भी जारी रही, जब जाटों और मराठों की सेनाओं ने अराजकता और अव्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने सत्ता संभाली और एक विशेष ठगी और डकैती विभाग बनाया ताकि व्यवस्था बहाल हो सके। 1857 के गदर ने विद्रोही सिपाहियों और उनसे सहानुभूति रखने वालों के साथ डकैत गिरोहों को फिर से बढ़ते और फलते फूलते देखा। पर अब बागी नैतिकता की लड़ाई हार गए थे और एक तरह से ठगी करने लगे थे। उन्होंने जनता के बीच अपनी प्रतिष्ठा भी गंवा दी थी। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई पुनर्वास कार्यक्रम और कानून को सख्ती से लागू करने वाले फैसले हुए। सामाजिक कार्यकर्ता विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ने भी बागियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की, जिसके अच्छे परिणाम आए। 1970 के दशक में डकैतों ने सामूहिक आत्मसमर्पण किया। अगले कुछ दशकों में बीहड़ में सक्रिय कई समूहों ने अपने अपराध से अपने कदम वापस खींचे। ये फिर वे बेरहमी से कुचल दिए गए। रह गए तो बस कुछ छोटे मोटे अपराधी,
जो पुराने बागियों का नाम का इस्तेमाल करके अपना काम चलाते थे। दस के बाद चंबल घाटी से डाकू एक तरह से पूरी तरह साफ कर दिए गए। घाटी में आज काफी हद तक शांति है, लेकिन पुरानी यादों और कहानियों के साथ उसका आकर्षण आज भी बना हुआ है। चंबल अब बागी जीवन जीने के एक तरीके की बनिस्बत एक ऐतिहासिक भूमि के तौर पर ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन इसके बीहड़ कम होते नजर नहीं आ रहे। चंबल और उसकी सहायक नदियों के सिरों पर बीहड़ धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं। घाटी के कई जिलों में लगभग 10% गांव पूरी तरह से सूने हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि तेज बारिश से पहले ही धरती बहने लगती है। बारिश शुरू होते जमीन फट जाती है और दरार चौड़ी हो जाती है। बीहड़ ये गाँव की ओर फैलती जा रही है। बीहड़ उपजाऊ जमीन को निगलते जा रहे हैं। खेती बाड़ी छोड़कर दूसरे शहरों में नौकरी और काम ढूंढना लोगों की मजबूरी बन गई है। ऐसे इलाके जहां किसी जमाने में सौंधी मिट्टी की खुशबू से हवा महकती थी और शाम के वक्त आला गूंजा करता था, वहां अब पत्थरों के ढेर जर्जर दीवारें रह गई हैं। कुछ सालों में गांव के गांव उजड़ गए हैं। जमीन का क्षरण दो प्रकार से दिखाई देता है। बीहड़ और पहाड़ी दर्रों के क्षरण के कारण पूरे देश की लगभग 40 लाख हेक्टेयर जमीन उजड़ चुकी है। यहाँ चंबल, यमुना, सिंध, कांवरी और उनकी सहायक नदियों के आसपास लगभग 33 लाख हेक्टेयर जमीन बीहड़ में तब्दील होकर हाथ से जा चुकी है। ये बीहड़ अपने पास की उपजाऊ जमीन के कोई 60 लाख हेक्टेयर भाग को भी अपनी चपेट में लेने की तैयारी में है। बीहड़ से प्रभावित गांव एकदम से खाली नहीं होते, वहां के लोग धीरे धीरे ही हटते हैं। इस हस्तांतरण का नतीजा ये होता है कि जोत की जमीन के कई टुकड़े हो जाते हैं, खेती करना मुश्किल हो जाता है और खेती लोगों को पुसाती नहीं। धरती पर वनस्पति की परत जब मजबूत नहीं रह पाती, तब बारिश का पानी वहां की मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है। धरती की ऊपरी सतह बह जाती है। जमीन समतल न होने के कारण जहां भी जगह मिली वहां पानी तेजी से बहने लगता है। जगह जगह नाली सी बन जाती है, उसी से दर्रे बनते हैं जो आगे चलकर बड़े बड़े बीहड़ों में बदल जाते हैं। इन वजह से जमीन दूर दूर तक उजड़ चुकी है। भिंड और मुरैना जिलों में पिछले 30 सालों में बीहड़ के इलाके 36% बढ़े हैं। 1943 और 1950 के बीच इन दो जिलों में सालाना 800 हेक्टेयर बीहड़ों की वृद्धि हुई थी। 1950 और 1975 के बीच ये 5000 हेक्टेयर सालाना हो गई। इसका प्रमुख कारण था बड़े पैमानों पर जंगलों की कटाई। इन जिलों में केवल 20.58% जमीन का जंगल है। चंबल और बीहड़ क्षेत्र का विस्तार धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उत्तर प्रदेश में इटावा, मध्य प्रदेश में मुरैना, भिंड, श्योपुर इत्यादि जिलों में सर्वाधिक है। ये क्षेत्र चोर तथा डाकुओं के लिए सुरक्षित माना जाता है। अधिकतर अपराधी यहीं आकर शरण लेते हैं। भूल भुलैया जैसी प्राकृतिक स्थिति के चलते कई बार यहाँ पुलिस भी रास्ता भूल जाती है।